अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हमारे पास लेज़र अभी भी यहाँ पर पीछे लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ प्लांटर। पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि लेज़र किस तरह काम करती है और ज़मीन को सीधा किस तरह करती है। आज के ब्लॉग में आप देखेंगे कि प्लांटर क्या होता है और वो किस तरह से ज़मीन को तैयार करता है और कपास के बीज बोता है। ओके, सो दिस इज़ द प्लांटर मशीन। ये देखिए, ये दो खेलियाँ बनाएगी और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बीजों की जगह यहाँ पर बीज डालते हैं और एक खेली की दो साइड पर बीज आते हैं, तो उसी हिसाब से एक खेली की दो साइड पर बीज, एक खेली की दो साइड पर बीज, ये दो खेलियाँ इस वक्त में बनाता है। सो ये देखिए प्लांटर मशीन, ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ कपास के पहले से भी बीज इसके अंदर ये रखे हैं। उफ 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 उफ, कांटा लग गया। तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं जब तक ये ज़मीन सीधी करते हैं। जब ये ज़मीन प्लेन हो जाएगी उसके बाद इसके अंदर प्लांटर को डाला जाएगा और वो खेलियाँ बनाएगा और बीज बोता रहेगा। बीज हमारे पास ये सामने पड़े हुए हैं। सो दीज आर द सीड्स। आज सुबह से तकरीबन कोई तीन ट्रैक्टर हमारी फसलों के अंदर अलग अलग जगहों पे, कोई हल चला रहा है, कोई लेज़र कर रहा है, कोई रूटावेटर चला रहा है। इस वक्त यहाँ पर तीन ट्रैक्टर मौजूद हैं, एक प्लांटर मशीन के साथ, एक जो है लेज़र के साथ और एक जो है हल के साथ। तो ये तीनों ट्रैक्टर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ये तीनों ट्रैक्टर यहीं पर फसलों के अंदर काम कर रहे हैं। तो जिसपे हल लगा हुआ है इस पर पहले रूटावेटर लगा हुआ था, ये भी चेंज कर रहा है। तो अभी वापस कराची जाना है तो सारे काम जल्द से जल्द निबेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तीन ट्रैक्टर भी लगे हुए हैं और लेबर अलग लगी हुई है जो कि गन्ना लगा रही है। ये यहाँ पर देख रहे हैं प्लांटर ने किस तरह से खेलियाँ बनाई हैं और किस तरह से बीजता जा रहा है। ये अगर मैं यहाँ पर कहीं पर बीज हो तो दिखा सकूँ आपको, खैर अंदर खुप चुका है बीज तो अभी दिखेगा नहीं। ओके, तो ये देखिए किस तरह से तैयार किया जाता है कपास के लिए खेलियों को और किस तरह से इसके चोपे लगाए जाते हैं। चोपे मतलब जो बीज होते हैं वो उसके किस तरह लगाया जाता है सिर्फ एक मशीन से यार। तो देखा आपने कितना काम आसान हो गया यार, आसान हो गया। मशीनरी हमेशा आपके काम को आसान करती है, आपके वक्त को बचाती है। अभी अगला जो हमारे पास क्यारा है वो पीछे वाला, वहाँ पर अभी लेज़र हो रही है, उसी के साथ साथ अभी बराबर के अंदर प्लांटर चलना है। ओके, तो दूसरा क्यारे के अंदर हल चल गया तो अब प्लांटर चल रहा है, उसी के साथ साथ पीछे वाले क्यारे के अंदर जो है वो लेज़र हो रही है, उसके बाद हल चलेगा एंड आफ्टर दैट प्लांटर चलेगा। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा सो गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, और अगर अच्छा लगा सो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, लाइक करें एंड कॉमेंट डाउन बिलो किस तरह का आपको ब्लॉग लगा, अच्छा लगा सो बताएं अच्छा लगा। अगर कुछ कमी लगी सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, किस तरह मैं अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ नासिर।